Next is most important property regarding malloc function or dynamic memory allocations. This case में पूछा क्या गया है? Which is the best way for allocating memory space for any integers using malloc function? Suppose अगर आपको any integer types के elements के लिए memory space allocate कराना है, इस केस में कौन सा best suitable statement है? Clear? N के केस में जस्ट मैं put कर रहा हूँ यार. Suppose अगर मुझे 5 integers के लिए space allocate कराना है, then N का value consider क्या कर सकते हैं यार? 5. 5 इंटीजर्स के लिए मेमोरी स्पेस कितना रिक्वायर्ड होगा डिपेंड करेगा आप किस कंपाइलर के थ्रू कंपाइल कर रहे हैं. अगर आप 16 बिट सी कंपाइलर यूज कर रहे हैं, 16 बिट सी कंपाइलर में इंटीजर का साइज कह रहा था जस्ट 2 बाइट्स, देन इस केस में 5 इंटीजर्स के लिए स्पेस कितना रिक्वायर्ड होगा इन केस ऑफ 16 बिट सी कंपाइलर? 5 × 2 इज 10 बाइट्स. सेम एज अगर आप 32 बिट या 64 बिट कंपाइलर यूज करते हो, उस केस में इंटीजर का साइज क्या होगा? 4 बाइट्स. देन रिक्वायर्ड साइज क्या रहेगा इस केस में? Just 20 bytes like that. Clear? इसके according is check out करना which is the best suitable statement. First case, जैसा कि मैंने आपको बताया था malloc के केस में one argument means malloc accept क्या करता है? Only one unsigned integer plus ये argument consider होता है just size of allocated block in the form of bytes. इसे it will takes a number of required bytes. अगर इस केस में डायरेक्टली आप n पास कर दो, अगर n का मीन्स n क्या नंबर ऑफ इंटीजर एलिमेंट्स, अगर n का वैल्यू 5 है तो इस केस में पास किया वो 5, तो इस केस में चेक कर सकते हो 5 इंटीजर्स के लिए स्पेस एलोकेट होगा और ओनली 5 बाइट्स के लिए स्पेस एलोकेट, ओनली 5 बाइट्स, जबकि 5 इंटीजर के लिए रिक्वायर्ड साइज क्या हो? मे बी 10 बाइट्स और मे बी 20 बाइट्स. दिस इज नॉट सूटेबल. क्लियर? नेक्स्ट वन, सेकेंड केस. सेकेंड केस में सप्लाई क्या किया है? n मल्टीप्लाई बाई 2. n मीन सपोज अगर आप 5 इंटीजर्स के लिए स्पेस एलोकेट करना चाहते हो, n के प्लेस पर क्या पास कर सकते हो? समथिंग 5. n इंटीजर्स के केस में सप्लाई किया होगा 5 × 2 इज 10. मीन फाइनली इस केस में malloc के अंदर एज आर्गुमेंट क्या पास हो रहा है? 10. तो इस केस में श्योर है malloc के थ्रू कितने बाइट से एलोकेट होंगे? ओनली 10 बाइट्स. लेकिन इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि इंटीजर के लिए ऑलवेज 10 बाइट्स ही रिक्वायर्ड होंगे, 5 इंटीजर्स के लिए ऑलवेज 10 बाइट्स ही रिक्वायर्ड होंगे. डिपेंड करेगा आप करेंटली कंपाइलर किस टाइप का यूज कर रहे हैं. मींस अगर 16 बिट सी कंपाइलर के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करें, 16 बिट सी कंपाइलर में इंटीजर का साइज क्या है? जस्ट 2 बाइट. देन ये केस कैसा है? सूटेबल. लेकिन अगर सेम केस 64 बिट या 32 बिट कंपाइलर के केस में जब कंपाइल करके एग्जीक्यूट कराओगे, 32 बिट कंपाइलर में इंटीजर का साइज क्या होता है? 4 बाइट. तो 5 इंटीजर के लिए रिक्वायर्ड स्पेस कितना हुआ? जस्ट 4 × 5 इज 20 बाइट्स. मीन्स रिक्वायर्ड साइज क्या है? 20. लेकिन फिर भी इस केस में malloc कितने बाइट्स एलोकेट करेगा? ओनली 10 बाइट्स. मीन्स दिस इज द सूटेबल ओनली फॉर 16 बिट. इट इज नॉट सूटेबल फॉर ऑल कंपाइलर्स और ऑल प्लेटफॉर्म्स. क्लियर? नेक्स्ट वन, थर्ड केस. थर्ड केस में सप्लाई क्या किया है? n मल्टीप्लाई बाई 4. अगेन सेम केस, अगर आप n का वैल्यू 5 पास कर दो, इस केस में कितने बाइट्स एलोकेट होंगे? 5 × 2 इज 20 बाइट्स. 20 बाइट्स 32 बिट और 64 बिट के लिए सूटेबल है, बट सपोज दैट सेम कोड आप 16 बिट कंपाइलर में अप्लाई करोगे, देन उस केस में भी कितने बाइट्स एलोकेट होंगे? 20. जबकि 5 इंटीजर्स के लिए 16 बिट सी कंपाइलर में स्पेस कितना रिक्वायर्ड होगा? ओनली 10 बाइट्स. मीन्स अगेन इट इज नॉट सूटेबल. देन थर्ड केस, थर्ड केस में सप्लाई क्या किया है? एन मल्टीप्लाई बाई साइज ऑफ इंटीजर. मीन्स इस केस में यूज क्या किया? साइज ऑफ ऑपरेटर. अगर आप 5 इंटीजर्स के लिए स्पेस एलोकेट करना चाहते हो, सपोज दैट इन केस ऑफ 16 बिट सी कंपाइलर, 16 बिट सी कंपाइलर के केस में बात करें तो 16 बिट सी कंपाइलर में इंटीजर का साइज फिक्स है. मीन्स इस केस में क्या है? डायनेमिक साइज. साइज ऑफ 16 बिट सी कंपाइलर में इंटीजर का साइज क्या रिटन होगा? साइज ऑफ से जस्ट 2. इस प्लेस पर रिटन किया होगा 2. तो उसके अकॉर्डिंग बाइट्स कितने एलोकेट होंगे? ओनली 10 बाइट्स. सिमिलरली अगर सेम कोड आप 32 बिट या 64 बिट कंपाइलर्स के लिए अप्लाई करते हो, देन इस केस में 32 बिट कंपाइलर में इंटीजर का साइज क्या रिटन होगा? जस्ट 4. तो इस प्लेस पर मल्टीप्लिकेशन में सेकंड ऑपरेंड क्या रिटन होगा? 4. 5 × 4 इज 20. देन सेम एक्सप्रेशन और सेम स्टेटमेंट 32 बिट कंपाइलर में कितने बाइट्स एलोकेट करेगा? जस्ट 20 बाइट्स. मीन्स ये कोड 16 बिट के लिए वर्क कर रहा है, 32 बिट के लिए वर्क कर रहा है, 64 बिट के लिए वर्क कर रहा है. दैट्स व्हाई इट इज अ बेस्ट सूटेबल फॉर एलोकेटिंग स्पेस फॉर एनी इंटीजर एलिमेंट्स यूजिंग malloc और यूजिंग calloc और यूजिंग सम अदर केसेस. मीन्स जब भी आपको एन इंटीजर्स के लिए और एन एलिमेंट्स के लिए स्पेस रिक्वायर्ड है, देन डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन कॉन्स्टेंट वैल्यूज के फॉर्म में पास ना करके ऑल एवरी टाइम मल्टीप्लाई किससे करो? साइज ऑफ रिक्वायर्ड डेटा टाइप. मीन्स इस केस में एन क्या है? नंबर ऑफ आइटम्स. और साइज ऑफ इंट क्या? साइज ऑफ ईच एलिमेंट. क्लियर? इस केस में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ओनली 4. 4 इज अ करेक्ट ऑप्शन.